नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विशेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पामे, इन्होंने अपनी एज बताई थी 31 वर्ष। सवाल के देखिए, इन्होंने जॉब के रिगार्डिंग कोर्स किया हुआ लेकिन जॉब करने का इनका मन नहीं है, तो क्या चीज़ रहेगी, क्या इन्हें करना चाहिए, क्या इनके हाथ में बिजनेस से पैसा है, बिजनेस ही करने का मन है, स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए, स्टॉक मार्केट में करियर वाइज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, करियर आपका सही चलेगा, मतलब बढ़िया ही चलेगा। और जो मैं आपके हाथ में बड़ा फायदा देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से। अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तभी बड़ा फायदा मिलेगा, उससे पहले बड़ा फायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग करके उतने लेवल की बड़ी सफलता मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, दूसरा काम करते रहिए, स्टॉक मार्केट को एज ए इन्वेस्टिंग पर्पज आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लाभ आपको मिलेगा। और आपको किस प्रकार कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्ट करना रहेगा मिनिमम यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। तो अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा, उससे पहले मान सकते हैं थोड़ी बहुत समस्या मैं आपके हाथ में स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग देख पा रहा हूँ। बाकी शुक्र पर्वत को देखेंगे, शुक्र पर्वत यहाँ पे हल्की सी आड़ी रेखाएं तो बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या आपको अपनी जीवन में रह सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चंद्र कैसे पर आएंगे, तो चंद्र भी बड़ी अवस्था में, चंद्र पर कोई भी ऐसी कोई बुरा नेगेटिव प्रभाव में नहीं देख पा रहा हूँ। चंद्र से पता चलता है व्यक्ति के मन में शांति है नहीं है, तो आपके मन में शांति बनी रहेगी। जीवन में कैसी समस्या, कैसी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कैसी भी कोई क्यों ना समस्या आ जाए, आप बुरी समय से डरेंगे नहीं, संघर्ष से लड़ना जानता है, व्यक्ति के मन में शांति होती है, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है, स्त्री जाति के साथ संबंध बढ़िया रहते हैं, घर में माता जी, बहन जी, बेटियाँ, धर्म पत्नी, इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। कहीं ना कहीं आपको बड़े लाभ ये रेखा देने वाली है। मंगल पर आएंगे, मंगल आपके हाथ में ये है, मंगल भी बढ़िया अवस्था में, मंगल पर ये दो तीन रेखा आपको कभी ना कभी अपने काम से कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा सकती हैं, इसके चाहे चालान भरने जाना पड़े, यानी छोटे काम के लिए जाना पड़े लेकिन कोर्ट कचहरी जाना रहेगा, और ये कॉम्बिनेशन आपको अपने जीवन में मान के चलिएगा आपको बहुत सक्षम बनाएगी, आपको पराक्रमी बनाएगी। रेखा व्यक्ति पराक्रमी होता है, उनमें किसी भी समस्या से कैसे भी डरता नहीं है, संघर्ष से लड़ना व्यक्ति जानता है, हर तरीके के संकट को व्यक्ति अपनी हिम्मत से काट देता है या फिर उन पर जीत जाता है। मंगल से पता चलता है कि आपको अपने जीवन में लोगों से बात करने का तरीका, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी यानी दबाव में रहकर अच्छा काम करना, किसी भी तरह के दबाव को व्यक्ति सोख लेता है, किसी भी तरह की बुरी सिचुएशन में व्यक्ति निखर के आता है। ऐसे व्यक्ति मान सकते हैं सोना होता है, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। और मान के चलिएगा ये आपको, ऐसे व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में कूल एंड कामली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। यहाँ अगर आपके हाथ में अंदरूनी मंगल देखेंगे, अंदरूनी मंगल पर सुंदर सी मंगल रेखा है, ये आपको बहुत ज़्यादा गुस्से पर काबू दिखने वाली रहेगी, इससे आपको अपने जीवन में साहस मिलेगा, आप संयम की कमी नहीं होगी, बुढ़ापे में शरीर साथ देगा, बुढ़ापे में शारीरिक क्षमता में कमी नहीं आएगी, स्पोर्ट्समैन टाइप की जितनी व्यक्ति के जीवन में शारीरिक क्षमता रहती है। मंगल बढ़िया है तो प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन, JCB मशीन, इस तरह के बिजनेस करके बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा आपको जीवन में। इस तरह के बिजनेस करना चाहे तो कर सकते हैं, खेती भी बढ़िया जीवन के लिए बढ़िया रहती है। देखिए, ओवरऑल लॉजिक ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति को धरती माता से आशीर्वाद मिला हुआ होता है, तो धरती माँ से जुड़े कोई भी काम लेने, जैसे रोड के ठेके ले लेना या फिर खेती कर लेना, प्रॉपर्टी डीलिंग कर लेना, कंस्ट्रक्शन का काम कर लेना, धरती माता से जुड़े जो भी काम लेंगे, जमीन जायदाद से जुड़े जो भी काम लेंगे, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव पर ये 2 से 3 रेखा हैं, आपको थोड़ी बहुत समस्या आपको दे सकती हैं अगर आप अपना स्वार्थ दिखाएंगे तो, लेकिन व्यक्ति अगर स्वार्थी ना हो, समाज की सेवा करे, समाज भले के लिए अपना सब कुछ दान पुण्य पर लगा दे, तो फिर कोई समस्या नहीं आती, समाज सेवा करके व्यक्ति को जीवन में बड़ा भाग्योदय होता हुआ देखा गया है। यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करने के योग भी बनेंगे, और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस आपका ध्यान जाएगा। जो आपके हाथ का शनि पर्वत है, शनि पर बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, ये 300 में टूटी है, महादेव के सिंह कृपा बनी रहेगी, जितना महादेव की भक्ति करेंगे, जितना उनके दास बन जाएंगे, जितना उनका नाम लेंगे, जितना उनको अपना मान लेंगे, और जितना देखिए महादेव को पशुपतिनाथ भी कहा गया है, तो ऐसे व्यक्ति जितना पशु की सेवा करते हैं, खासकर पशु में नंदी महाराज जो कि बैल होते हैं या फिर सांड होते हैं, उनकी अगर सेवा करेंगे, अगर आपकी गली में, आपके आसपास, आपके एरिया में अगर कोई बैल घूमे, चाहे वो जंगली हो चाहे वो पालतू हो, जंगली हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जंगली बैल को पानी पिलाने से, खाना खिलाने से महादेव की असीम कृपा बरसती है, तो इसी का खास ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके जीवन में बढ़िया रहेगी। कोई ऐसी दूसरी समस्या आपको इस चीज़ रिगार्डिंग नहीं देख पा रहा हूँ। सूर्य पर एक सूर्य रेखा है, शिक्षा रेखा भी है, तो कंसल्टेंसी और एडवाइजरी फर्म खोलेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। ये शिक्षा रेखा अगर हाथ में होती तो व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों का बहुत भला कर पाता है, खुद का भला हो ना हो लेकिन दूसरे का भला बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति के पास अगर छोटा कोई भी बात समझने या फिर मान सकते हैं
कुछ भी सजेशन लेने आए तो व्यक्ति बहुत अच्छी एडवाइस देता है। इवन दुश्मन को भी व्यक्ति गलत एडवाइस नहीं देता, हमेशा सही लोगों को सही राह पर चलने के लिए मोटिवेट करते हैं। डीमोटिवेट व्यक्ति को भी डीमोटिवेट व्यक्ति को भी मोटिवेट कर देते हैं। सूर्यरेखा उत्तम है तो संघर्ष का सफलता आपको मिलती रहेगी अपने जीवन में। यहाँ पर आएंगे बुध, बढ़िया है, बुध हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापारिक क्षमता नॉर्मल रहेगी। व्यापार करके करोड़पति बनने वाले तो योग में नहीं देख पा रहा, लेकिन व्यापार करके जिनमें क्षमता अच्छी रहेगी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग ये शुभ रहता है, लेकिन इंट्राडे ऑप्शन के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल शुभ है। यहाँ आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है तो आप समझदार हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर या फिर गुस्से में आकर भी गलत निर्णय नहीं लेंगे, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम भगवान ने आपको बनाया है। जो आपकी पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फिफ्थ हाउस तक पहुंच गई है तो मनी मैनेजमेंट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। पैसे को इन्वेस्ट करके उसमें सही लाभ उठाना ये चीज़ जीवन में रहेगी। पैसे को मैनेज अच्छा कर पाते, अपने के साथ साथ औरों का पैसा भी बढ़िया मैनेज कर पाते हैं और जीवन में पैसे के रिगार्डिंग किसी की समस्या नहीं आएगी। पार्टनरशिप में बिजनेस भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सतर्क रहेगा, पार्टनरशिप में पूर्ण तरह से विश्वास नहीं करना। यहाँ पर ये उंगली अगर इस प्रकार बड़ी निकल जाए तो व्यक्ति के जो भी काम करता है उसका पूर्ण ज्ञान रहता है। स्टॉक मार्केट में जब भी उतरे तो स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, अधूरे ज्ञान से अगर जाएंगे तो नुकसान आपको पूरा हो सकता है, खास ध्यान रखिएगा इस बात से लेकर। यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपकी राशियाँ हैं, 12 राशियाँ होती हैं हाथ में, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियों पर ही आपकी उंगलियों पर पहले पर फेलाइंस बने हुए हैं। इस प्रकार से ये फेलाइन जब हाथ में बनते तो व्यक्ति कैसी भी समस्या में आ जाए, कैसी भी दिक्कत में आ जाए, लेकिन हर परिस्थिति में आपको ढालने में सक्षम होता है। अच्छे समय में व्यक्ति अच्छा खर्च करता है, बुरे समय में व्यक्ति छोटे में ही काम चला लेता है। हर तरह के लोगों में, हर परिस्थिति में व्यक्ति ढलने में सक्षम होता ही है। जिन भी लोगों में बैठेंगे उन जैसी बातें करेंगे, लेकिन कभी भी दूसरे का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देंगे। संगति का असर बिल्कुल ना के बराबर होता है। यहाँ जो आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा डायरेक्ट यहाँ पर पहुंची गुरु तक, ये जो आपकी हृदय रेखा है डायरेक्ट गुरु तक पहुंची है। देखिए जब हृदय रेखा गुरु तक पहुंच जाए ये अच्छा मान सम्मान देती है, ये दिखाती है कि परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है या आगे चल के बनाएंगे कि आप बहुत सारे गरीब लोगों की, बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी, जितना आप आगे बढ़कर लोगों की मदद करेंगे, जितना आप अन्न का दान करेंगे। देखिए अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, अन्नदान महादान होता है। अन्न का जितना दान करेंगे अपने द्वारा तो बड़ा लाभ आपको 100% मिलेगा। गरीबों को दान, वस्त्र दान, अन्नदान ऐसे तो करने ही चाहिए, बड़ा अच्छा धन लाभ या फिर बड़ी अच्छी भाग्य बनती, बड़ा अच्छा पारिवारिक सपोर्ट व्यक्ति को इन सारे कार्य करके मिलता है। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ साथ जो आपकी हृदय रेखा है बड़ी उत्तम है तो वहाँ पर मैं दिल की बीमारी कैसे भी किसी प्रकार के संकेत में आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी चली है। देखिए जब मस्तिष्क रेखा सीधी होती है तो व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और जिस चीज़ में लॉजिक लगा देता है वहाँ सफलता मिल जाती है और हर चीज़ को अपने दिमाग के द्वारा करने में या फिर हर चीज़ों को सोच कर समझ कर करने में, अपने दिमाग के द्वारा मेहनत करने में और सफल बनाने में व्यक्ति सक्षम होता है। तो ये चीज़ आपके हाथ में भी रहेगी। तो मस्तिष्क आपके जीवन में बढ़िया है, मस्तिष्क से गाड़ी आपको अपने जीवन में कैसी समस्या, कैसी दिक्कत में नहीं देख पा रहा हूँ। और मान के चलिएगा दिमागी स्तर से जो भी निर्णय लेंगे उसमें सफलता आपको मिल ही जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति है, दिमागी तौर पर जो मेहनत करेंगे उसमें आपको पैसे का धन लाभ, जीवन में सुख शांति, जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। जीवन रेखा पर एक भी राहु रेखा नहीं है, राहु रेखा का ना होना जीने बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखिए जीवन रेखा पर अगर राहु रेखा होगी तो इससे पता चलेगा कि जीने बड़े बड़े उठापटक, जीवन में बड़े बड़े नुकसान, जीवन में बड़ी बड़ी स्वास्थ्य समस्या रहेंगी, लेकिन आपके हाथ में ऐसी एक भी समस्या नहीं है। तो मान के चल सकता हूँ कि जीवन में किसी के रिगार्डिंग कैसी समस्या आपको नहीं आने वाली। जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें लॉजिक लगाएंगे, सफलता मिलेगी और जीवन जो है आपका बढ़िया चलेगा। हाँ अंत में आकर थोड़ी सी भाग्य रेखा धुंधली पड़ी है, यहाँ पर मजबूत है, जहाँ पर धुंधली पड़ी है बुढ़ापे में आपको स्वास्थ्य की समस्या रहेगी। जीवन रेखा का हल्का पड़ जाना अच्छा नहीं होता है, जीवन रेखा जब हल्की पड़ जाए तो समस्या रहती ही रहती है। हर चीज़ से रिगार्डिंग आपको सफलताएं देने, हर चीज़ से रिगार्डिंग आपको नुकसान देने वाली है। बुढ़ापे में आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है, बीमारी या बीमार अपने द्वारा नहीं होने देना है। ऐसे योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ़ायदा मिलता है, 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 40 वर्ष की उम्र के बाद या फिर 45 वर्ष की उम्र के बाद जिम ज्वाइन करते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जैसे कार्य करते हैं तो बड़ा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा भी मजबूत है, मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। देखिए मनी ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, मनी ट्रायंगल तीन रेखाओं से मिलकर बनता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में तीन शुभ चीज़ें हैं, क्या, पहला अच्छा भाग्य, दूसरा अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दिमाग, तीनों चीज़ आपके जीवन में बढ़िया रहेंगी। मनी से रिलेटेड जीवन में कैसी समस्या, कैसी परेशानी आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मनी ट्रायंगल बढ़िया है, लेकिन जो आपकी भाग्य रेखा है यहाँ पर 200 में टूटी है,
तो करियर में चेंज तो आना आपको लाजमी था, करियर में चेंज आपके जीवन में आगे भी आएगा, करियर से रिगार्डिंग आप जो भी करें उसमें चेंज आएगा, लेकिन भाग्य का मजबूत है तो जो भी काम करेंगे उसमें पैसा आपको बराबर आता रहेगा। देखिए शादी कब होगी, शादी का वो सवाल था, शादी की रेखा है आपके हाथ में लेकिन काफ़ी लेट है, तो मान सकते हैं आपको शादी के लिए अभी रुकना पड़ सकता है। यहाँ पर भी दिख रहा है कि 30 से 35 फीट में शादी हो जाएगी, शादी से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये है देखिए ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ किस्मत से मिलती है, व्यक्ति को खुद भी मेहनत करनी रहती है और खुद मेहनत करेंगे, खुद भी अपने लिए कोशिश करेंगे शादी करने के लिए तो शादी जल्दी होगी, बाकी शादी जल्दी होने के जो उपाय होते हैं आपको उपाय दे दूंगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो फिलहाल मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया, आपके पाम की रेट ये थी, यहाँ पर थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या है इसके आपको उपाय दूंगा, शादी जल्दी होने के उपाय दूंगा, और कोई समस्या नहीं है, जो चीज़ करेंगे सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के चक्कर भी रह सकते हैं तो उसी के उपाय रहेंगे, इसके अलावा कोई समस्या आपके हाथ में है ही नहीं, बस ये चीज़ रहेगी कि मेहनत करिए सफलता जरूर मिलेगी। बिजनेस जॉब करने का मन नहीं है, जॉब मत कीजिए लेकिन बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, फायदा मिलेगा। यहाँ पर मणिबंध पर ये आईडी रेखा व्यक्ति को करियर रिगार्डिंग कन्फ्यूजन, जिंदगी को जीवन के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन भी देती हैं, तो सावधान रहिएगा, आपको चीज़ों से परेशानी ना हो इसलिए आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊंगा, इसके बाद भी कोई डाउट हो करेंगे तो आप मुझसे पहली बात से पूछना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।